नमस्कार, मैं देवांजलि मोइत्रा। अब तक आपने प्लेइंग 11 के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको अनसोल्ड 11 के बारे में बताएंगे, जिनमें देश विदेश के कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्हें आईपीएल की 8 दिग्गज टीमों में से किसी ने खरीदने लायक नहीं समझा। इस अनसोल्ड 11 में 9 खिलाड़ी विदेशी हैं, तो वहीं 2 भारतीय हैं। दरअसल गुरुवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आईपीएल 2020 के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई गई। इस नीलामी में जहां ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई गई, तो वहीं कई दिग्गज खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्हें किसी ने खरीदा तक नहीं। ऐसे अनसोल्ड खिलाड़ियों की हमने प्लेइंग 11 बनाई है, जिनमें यूसुफ पठान से लेकर शॉन मार्श, टिम साउथी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। अनसोल्ड 11: एविन लुइस, एलेक्स हेड्स, कोलिन मुनरो, शॉन मार्श, मनोज तिवारी, यूसुफ पठान, बेन कटे, टिम साउथी, एडम जंपा, इश सोडी, मुस्तफिजुर रहमान। आईपीएल 2020 के लिए नहीं बिके इन खिलाड़ियों के आईपीएल आंकड़े पर नजर डालें, तो मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स के नाम 6 आईपीएल मैचों में 148 रन। हेल्स का हाईएस्ट स्कोर 45 रन है। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो के नाम 13 आईपीएल मैचों में 177 रन है और हाईएस्ट स्कोर है 40 रन। किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल चुके ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श 71 आईपीएल खेल चुके हैं। उनके नाम 20 अर्धशतक के साथ 2477 रन है। मार्श का हाईएस्ट स्कोर 115 है। दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल चुके भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी के नाम 98 आईपीएल मैचों में 1695 रन है। तिवारी का 7 अर्धशतक के साथ हाईएस्ट स्कोर 75 है। राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके भारतीय ऑलराउंडर यूसुफ पठान अब तक 174 आईपीएल मैच खेल चुके हैं। पठान 13 अर्धशतक और 1 शतक के साथ 3204 रन बना चुके हैं। उनके नाम 42 विकेट भी हैं। राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर बेन कटिंग के नाम 21 आईपीएल में 238 रन और 10 विकेट है। कटिंग का हाईएस्ट स्कोर 39 रन है। चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी 40 आईपीएल मैच खेल चुके हैं। साउथी के नाम 115 रन के साथ ही 28 विकेट भी हैं। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एडम जंपा के नाम 11 आईपीएल मैचों में 19 विकेट है। जंपा ने आखिरी आईपीएल मैच 2016 में खेला था। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके न्यूजीलैंड के गेंदबाज ईश सोडी के नाम 8 आईपीएल मैचों में 9 विकेट है। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के नाम 24 आईपीएल मैचों में 24 विकेट है। मुस्तफिजुर को भी कोई खरीदार नहीं मिला। ये तो रही उन खिलाड़ियों की अनसोल्ड 11, जिन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को केकेआर ने 15 करोड़ 50 लाख में खरीदा। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल को किंग्स 11 पंजाब ने 10.75 करोड़, क्रिस मॉरिस को आरसीबी ने 10 करोड़, पंजाब ने शेल्डन कॉटरेल को 8.5 करोड़, नाथन कुल्टर नाइल को मुंबई इंडियंस ने 8.5 करोड़ और दिल्ली कैपिटल्स ने हेडवेयर को 7.75 करोड़ में खरीदा है।